हेलो, यस यस मैम, यस मैम, गर्ल्स आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, ओके ओके ओके। सोशल डिटरमिनेट्स ऑफ फूड चॉइस। गर्ल्स, यहाँ तक समझ गए आपको मैं जो बता रही हूँ? व्हाट इज द नॉलेज अबाउट दी एंड व्हाट इज द मैसेज अबाउट द फूड्स? यस मैम, ओके, देन कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, सोशल डिटरमिनेट्स ऑफ फूड चॉइसेस। Influence of social classes people eat is formed and concentrated by circumstances that is essentially social and culture. Population studies show there are clear difference in social classes with regards to good and nutrients intake. Poor diet can result in under micronutrients deficiency and overnutrition is energy overconsumption, resulting in overweight and obesity. Problems that face different set for set sectors, different sector of security requiring different levels of expertise and method of intervention. यहाँ पे ये बताया गया गर्ल्स कि अगर जो भी आप डाइट ले रहे हो, इट शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इट इज लेस। मैंने अभी जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि केन फूड है, अगर लॉन्ग टर्म तक हम केन फूड ले रहे हैं तो मे बी उसमें न्यूट्रिएंट्स लेस है, प्रिजर्वेटिव के कारण उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, तो इट मे बी लीड्स टू अंडर न्यूट्रिशन। और अगर ज्यादा ही फैटी फूड्स ले रहे हैं, नॉनवेज की तरफ जाकर अगर देख रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म केन फूड हम लोग ले रहे हैं, तो इट मे बी लीड टू ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें ओवरवेट एंड ओबेसिटी के सिम्टम्स देते हैं। जैसे हायर क्लासेस में देखा जाता है कि दे हैव नो टाइम फॉर कुकिंग बिकॉज ऑफ देयर वर्क, तो उनका ऐसा है चलते चलते बर्गर खरीद लिया, चलते चलते पिज्जाज ऑर्डर्स कर दिए, केन फूड ले लिया, तो इट तो जो ओबेसिटी एंड ओवरवेट की जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है ये उनमें ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। ये एक्सपर्टीज एंड मेथड्स expertise and methods of intervention, problem that face different sectors of society. हर एक सोसाइटी में जो है, सोसाइटी भी मैटर करती है कि हमें क्या कंजम्पशन है। आज हम लोग ने अगर अपना टिफिन नहीं लेके गए तो हम लोग ने बाहर खा लिया, या कई बार ऐसा होता है कि अरे रहने दो कैंटीन में तो खाना मिल जाता है, वहीं खा लिया। दिस में ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी एंड ओवर वेट। Then cultural influence lead to the differences in the habitual consumption of certain food and in traditions of preparation, and in a certain cases can lead to restrictions such as exclusion of meat and milk from the diet. Sometimes जो milk की जो problem है, milk consumption जो है हम लोग देखते हैं, अरे नहीं milk नहीं लेना है मुझे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं एक कैल्शियम लॉस हो गया हमारे लिए, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो भी हमारे लिए ये हो गया, स्किप कर दिया हमने उसको, ठीक है। ये कल्चर है, कल्चर इन द सेंस कोई फैमिली में रेगुलर मिल्क कंजम्पशन चलता रहता है, कुछ में हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उतना मिल्क कंज्यूम करने की, तो वो एक लैकिंग हो गया, तो इट मे लीड्स टू ओवर अंडर न्यूट्रिशन। Consumption of certain foods and in traditions of preparation and in certain cases can lead to the restrictions such as exclusion of meat and milk. Meat in the sense non-veg जो consume करते हैं उनके लिए बताया गया, sorry vegetarian जो consume करते हैं उनके लिए restricted हो जाता है, and milk ये है कि हमारे society में जो मैंने अभी आपको बताया कि consumption income group के हिसाब से वो consume करते हैं from the diet. When moving to new countries, individual often adopt particular food habits of the local culture. Same चीज यहाँ बताया कि अगर country wise, अगर किसी की job बाहर है तो वहां का हमारे यहाँ जो consume किया करता था वो वहां जाके varies हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि वहां पे जो market में उसको जो food available है
वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस उसको लाके उसको कुक हीट करना है, उसको सिर्फ पकाना है एंड कंज्यूम करना है. यहाँ पे हम लोग लाते हैं, कटिंग करते हैं, वॉशिंग होती है उसकी, प्रिपरेशन होता है, वो वहां पे नहीं होता. तो इट डिफर्स टू वॉट वी कंज्यूमिंग वो हियर एंड वॉट ही इज कंज्यूमिंग इन नेक्स्ट कंट्री, अनदर कंट्री. ठीक है गर्ल्स, ये पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग को? न्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑफन अडॉप्ट पर्टिकुलर फूड हैबिट्स ऑफ द लोकल कल्चर. गर्ल्स कैन यू हियर मी? ओके. देन सोशल कॉन्टेक्ट, सोशल इन्फ्लुएंस ऑन फूड इनटेक रेफर टू द इम्पैक्ट टू वन और मोर पर्सन हैव द ईटन बिहेवियर ऑफ द इनडायरेक्ट लर्निंग फ्रॉम peers' behavior, either conscious transfer of beliefs of subconscious. Even when eating along food choice is influenced by a social factor because attitude and habit develop through the interaction with others. Social context, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम लोग societies, हम लोग work जहाँ पे करते हैं, ये भी varies करता है कि आज टिफिन नहीं लाया, कैंटीन में खा लिया, बाहर खा लिया, स्ट्रीट फूड पे खा लिया, स्ट्रीट रोड्स पे जो भी लोकल मार्केट्स अवेलेबल होते हैं वहां खा लिया. तो इट्स आल्सो भी डिफर्स, ईटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है यहाँ पर. और अगर हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स है, उनके साथ में हम लोग अगर वर्क करते हैं या कहीं अगर बाहर है, तो ये भी डिफर करता है कि वराइटी ऑफ फूड्स भी कंज्यूम हो जाते हैं. Then psychological factor. The psychological factors में first factor है physiological factor. Psychological factor stress. Psychological stress is an common features of modern life and can modify behavior that affects health, such as physical activity, smoking or food choices. Stress, कल आपको बताया था कि stress में कई बार लोग खाना छोड़ देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा टेंशन आया, खाना नहीं खाया, स्किप कर दिया, या स्ट्रेस आया तो कुछ लोगों की हैबिट होती है, उनको भूख लगती है, वो खाते हैं. तो दिस इज ओवर ईटिंग, समटाइम्स लीड टू ओबेसिटी ऑल्सो, सच एज फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग और फूड चॉइस. स्मोकिंग, कुछ लोगों को स्ट्रेस आने पर वो स्मोकिंग करते हैं. ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी फूड चॉइसेस चेंज हो जाती है, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन फूड चॉइस इज कॉम्प्लेक्स, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड कैन एक्सपीरियंस. द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फूड इनटेक डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, द स्ट्रेस एंड द सर्कमस्टेंसेस. Some people eat more and some eat less than normally. The proposed mechanism for stress-induced changes in eating and food choices, already explained to you, are motivational difference, reduce concern about weight control. जहाँ पे मैं food consumption ज़्यादा होगा, तो ये वहाँ पे weight control disbalance हो जाता है. जो कंट्रोलिंग वेट मैनेजमेंट जो होता है, व्हाई? बिकॉज़ वी आर ईटिंग ऑन जस्ट सिट, बैठ के ही खाए जा रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है तो भी खाए जा रहे हैं. तो यहाँ पर बॉडी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, जो भी हमने खाया वो कन्वर्ट होने लगता है फैट में, देन फैट डिपोजिशन होता है टिश्यूज में एंड टिश्यूज के बाय रैप्चर हो जाते हैं. मे भी हो सकता है उसमें टिश्यूज में वाटर इनटेक ज्यादा, वाटर जो होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है. मे भी टिश्यूज के ऊपर लेयरिंग ऑफ फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है. हो सकता है इससे ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल के अंदर वो जो कर्डल्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाए, जो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट हो, ब्लड के थ्रू हार्ट तक के जाए. ठीक है, द प्रपोज मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस इंड्यूस चेंज इन ईटिंग एंड फूड चॉइसेस आर मोटिवेशनल डिफरेंस, रिड्यूस कंसर्न अबाउट वेट कंट्रोल. साइकोलॉजिकल इज रिड्यूस एपिटाइट कॉज्ड बाय द प्रोसेस एसोसिएटेड विद स्ट्रेस.
यहाँ पे एपेटाइट जब आप बैठ के ही खा रहे हो, खाते जा रहे हो तो समटाइम्स क्या होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मे बी इट लीड्स टू एसिडिटी। हो सकता है यहाँ पर आपको लूज मोशंस भी हो, या हो सकता है कि वो डाइजेस्ट ही ना हो, आपको एंजाइटी फील हो, अनइजीनेस फील हो। एंड प्रैक्टिकली चेंज इन ईटिंग अपॉर्चुनिटीज, फूड एबिलिटी, एबिलिटी नहीं है गर्ल्स, वो अवेलेबिलिटी है, फूड अवेलेबिलिटी एंड मील प्रिपरेशन। इट इज अलॉन्ग सजेस्टेड दैट इट वर्क स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट। देन एडवर्स डाइटरी चेंजेस कुड रिजल्ट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेट गेन एंड कंसिक्वेंटली कार्डियोवास्कुलर रिस्क और डिजीज। मैंने बताया अभी कि टिश्यूज जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंज होने के कारण जो भी फूड इनटेक लिया है हमने वो चेंज हो जाता है। मे बी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर में। जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो पर्टिकुलर डाइट को डाइजेस्ट करके बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर आपकी ओवर ईटिंग है यहाँ पर, तो ओवर ईटिंग में ये होगा कि डिपोजिशन ही नहीं हो, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो ब्लड के थ्रू आपके टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज पे लेयरिंग होगी, हो सकता है वो फैट में कंट्रोल होके क्रिस्टल्स बनने लगे एंड कार्डियोवास्कुलर ट्रिक्स होगा, कार्डियोवास्कुलर इन द हार्ट डिजीज जो होगी वो फॉर्म होगी। ठीक है गर्ल्स, ये समझ गया पॉइंट, क्लियर है सबको गर्ल्स? यस मैम। ओके, देन सेकेंड इज मूड। Hippocrates was the first to suggest the healing power of food. It was not until the Middle Age that food was considered a tool to modify temperature and mood. Sometimes lead to mood. Mood change. हम लोग आजकल mood के हिसाब से काम करने लग गए हैं. Mood in the sense, अगर खाने का mood हुआ, ठीक लगा खाना, बराबर diet है तो खाते हैं, नहीं है mood, skip कर दिया उसको, बाहर जाके हमने फूड कंज्यूम किया जो भी हमें ठीक लगा। टुडे इट इज दैट फूड इन्फ्लुएंसेस फूड एंड दैट मूड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर चॉइस ऑफ फूड। इट अपीयर्स दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ फूड ऑन मूड इज रिलेटेड इन अ पार्ट ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर फूड, वेटिंग टू एंजॉय इट बट कंसियसली ऑफ वेट चेंज। इट इज struggle experienced by many people with high restraints and some women report feeling guilty because of not eating what they think they should. Some women not eat that they think they should, moreover attempt to restrict intake of certain food can increase the desire for this particular food, leading to what are described as food craving. यहाँ पर भी मूड का सेम चीज बताया गया है कि जैसे स्ट्रेस में बोला था कि स्किप कर देते हैं, फूड चॉइसेस चेंज हो जाती है, यहाँ पे मूड का ये बताया गया कि डिपेंड ऑन मूड व्हाट वी कंज्यूम। अगर फूड इज कंज्यूम कर लिया, इच्छा नहीं भी है तो भी खा लिया, लेकिन मन नहीं भरा छोड़ दिया, या ओवर ईटिंग हो गई है वहां पर, आज बहुत अच्छा बन गया है तो खाए रहे, दैट इज ओवर ईटिंग, या एक्सेप्लेटिव जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो कई बार वुमेन्स में क्या होता है कि द फूड चॉइस है, आज मेरा मन एकदम सिट्रस फूड खाने का हो रहा है तो सिट्रस फूड ही ज्यादा खा लिया, या आज अचार के साथ खाने का मन हो रहा है तो वो खा लिया। तो ये वुमेन्स में ये क्वालिटीज देखी जाती है कि उनका जो फूड चॉइसेस होता है वो मूड के हिसाब से चेंज होता जाता है। अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ सर्टेन फूड एंड इंक्रीज द डिजायर, मतलब ये उन्होंने जो ले लिया वो दैट इज सफिशिएंट। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने कंज्यूम किया है दैट इज गुड और नॉट गुड। देन एटीट्यूड बिलीव्स एंड नॉलेज अबाउट फूड। In both the areas of food safety and nutrition, understanding of attitudes and properly research, a better
अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द पब्लिक देयर फूड देयर डाइट वुड हेल्प इन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग इंटेंटिव INTITIVE intentive attitudes and beliefs cannot be changed and attitude to dietary fat has changed with the corresponding decrease in the assault amount of fat eating and change in ratio of saturated and unsaturated fat. Girls, this is attitude and beliefs and knowledge about food. ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि वुमेन्स को नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट शी इज प्रिपेयरिंग द सेम पॉइंट्स कम ओवर हियर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स कैन एंड डू चेंज. जब आपको पता रहेगा कि जब आपको नॉलेज रहेगा कि आज मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो डाइट बनाया है दैट इज गुड, तो वहां पे आपका डाइटरी जैसे अगर नॉलेज ही नहीं है किसी चीज का, ऑयल्स के बारे में पता ही नहीं है कि कितना ऑयल एक रेसिपी में जाना चाहिए, ऑयल डाले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया. फैट फिर वही सब्जी सभी फैमिलीज के मेंबर्स खा रहे तो यहाँ पे क्या हो गया फैट कंजम्पशन ज्यादा हो गया. और अगर ये प्रोलॉन्ग के लिए चलता रहा तो मे बी हो सकता है उस फैमिली को आगे चल के किसी ना किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती है, मे बी लीड टू कार्डियक डिजीज हो सकता है या कार्डियक से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकता है. तो इट शुड बी नो द नॉलेज एंड बिलीव्स. बिलीव्स का यहाँ पे क्या बताया कि जो भी मैंने यहाँ बनाया है इट शुड बी प्रॉपर इन ऑल द प्रोपोर्शन. जो भी स्पाइसेस यूज किए, जो भी कॉन्डिमेंट्स यूज किए, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं डाइट के लिए इट शुड बी नॉलेजेबल फॉर द पर्सन. गर्ल्स यहाँ तक समझ गया है सबको? गर्ल्स यस मैम. ओके गर्ल्स, मैंने आपके इस पे आपका सिलेबस दिया है, एक बार आपका सिलेबस देखिए. ओपन किया आप लोगों ने? यस मैम. ओके देन देखिए आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. तो जो फर्स्ट पॉइंट है टर्म्स यूज्ड इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया गर्ल्स और आपके पास नोट्स अवेलेबल है पूरे के पूरे. ठीक है, सबके पास है नोट्स? यस मैम. यस मैम. देखिए टर्म यूज इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ डेफिनेशन, हेल्थ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट आरडीए बैलेंस्ड डाइट माल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इसके नोट्स पूरे आपके पास है. ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है गर्ल्स. ठीक है देन द सेकेंड पॉइंट फाइव फूड ग्रुप्स फूड गाइड रिलेशन बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन फंक्शन ऑफ फूड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फैक्टर अफेक्टिंग फूड कंजम्पशन एंड फूड एक्सेप्टेंस. ये पॉइंट भी अब गर्ल्स अभी मैं जो क्लास में लिया है यहाँ तक के पूरा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, और दोनों पॉइंट्स के नोट्स आपके पास अवेलेबल है. किसी को नोट्स में प्रॉब्लम है? हेलो मैम. ओके मैम गर्ल्स ये पूरा यस 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 मैम वो जो आपने नोट्स भेजे हैं वो आपने राइटिंग नोट्स भेजे हैं, हमको प्रिंट आउट में चाहिए थे मैम. बेटा मैंने आपको कल ही बताया क्योंकि वो आपके नोट्स एक बुक में अवेलेबल नहीं है, वो काफी अलग अलग बुक से निकाले गए हैं. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द रिटर्न नोट्स. एक बुक में अवेलेबल नहीं है, फिर अगर मैं आपको एक बुक का देती हूँ तो फिर आपको मैं जब दूसरा बुक का दूंगी तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा. दैट्स व्हाई हम लोग मैंने आपको हैंड रिटन नोट दिए हैं डिफरेंट बुक से निकाले. हाँ बोलो. ठीक है मैम, लेकिन इसका प्रिंट आउट बराबर निकलता नहीं है मैम, बराबर क्लियर नहीं निकलता है. इसके पहले एक मैम ने दिए थे तो उसकी प्रिंट आउट निकाली थी लेकिन वो नहीं निकले थे, फिर मैम ने फिर उसके पीडीएफ बना के दिए, फिर मैम ने मतलब मैम ने ये करके दिए थे, फिर लिख के दिए थे उन्होंने कंप्यूटर से उनका, हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला. क्योंकि मैम अभी गर्ल्स दिस इज नॉट पॉसिबल कि ना अभी मैं आपके लिए वो थ्री बुक्स से फिर मैं कंप्यूटर में टाइप करूं और देन मैं आपको उसका पीडीएफ दूं, क्योंकि अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है ना गर्ल्स, है ना, क्योंकि ये थ्री बुक्स से निकाले गए. अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बुक्स के भी प्रिंट आउट दे दूंगी, बट इट क्रिएट्स कंफ्यूजन.
फिर वहां पे मुझे पेज नंबर दे शो करना पड़ेगा कि इसके बाद वो रीड करो, फिर देन अगेन वापस जाके उस पेज पे रीड करो, फिर ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नॉट फॉर वन बुक ना। आपने जो नोट्स दिए वही नोट्स नहीं आप दे सकते क्या? आपने जो नोट्स दिए हैं अभी वो वाले ही नोट्स नहीं दे सकते क्या? मतलब आपको प्रिंट में चाहिए वो? हाँ जी मैम। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी गर्ल्स कि अभी मैं आपको बैठ के टाइप करूँ एंड देन मैं ट्राई करती हूँ। ओके, जैसे भी पॉसिबल होगा मैं उसमें फिर दे दूंगी, बट अभी तक तो वो क्लियर है सारे नोट, सभी को क्लियर होंगे क्योंकि कल भी काफी लोगों के मैसेज आए थे, मैम थोड़ा सा यहाँ पे क्या है बताए, मैंने क्लियर किया था सभी को। ओके हाँ मैम वो तो है, क्योंकि वो अगर प्रिंट आउट निकालते तो उसका अच्छे से नहीं निकलता मैम, और अभी फिर अगर स्टडी करना है और लिखना है तो इतने सारे नोट्स लिख नहीं सकते मैम। ओके ओके ओके, आई एम ट्राई माय बेस्ट। ओके हाँ मैम, गर्ल्स ये दोनों थैंक यू मैम। पॉइंट्स की, ओके फाइन फाइन, ये दोनों पॉइंट्स के नोट्स आपको अवेलेबल है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए प्लीज। ओके ओके मैम। ओके, देन असाइनमेंट्स का ले लीजिए, मैं असाइनमेंट्स का बताती हूँ क्योंकि ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेस, रिक्वायरमेंट्स एंड डेफिशिएंसी, एब्जॉर्प्शन। गर्ल्स असाइनमेंट्स का नोट कर लीजिए एक बार रफली आप लोग। हेलो, यस मैम, यस मैम। असाइनमेंट्स का मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप बतानी है आपको, ठीक है? टॉपिक डालना आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप। देन कार्बोहाइड्रेट टॉपिक लिखना, हेडिंग देना कार्बोहाइड्रेट, उसके नीचे उसकी डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिनेशन, वॉट इज कार्बोहाइड्रेट करके डेफिनेशन आएगा, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेस, एंड रिलेशन। ठीक है, सेम चीज प्रोटीन के लिए, प्रोटीन टॉपिक आएगा, देन उसके नीचे उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेस and relation, then fat, definition, classification, function, sources, sources and relation। देन उसके नीचे आपको करना है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में इन द सेंस आपको बताना है कि दोनों का रोल क्या है, दोनों का परफॉर्मेंस क्या है, डाइट में कितना आ रहा है, क्या रोल है उनका डाइट में, देन उनका इंटरेक्शन बताना है। तो इसको टेबल फॉर्म में, यस, कार्बोहाइड्रेट एंड क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप, इसमें आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं गर्ल्स। यहाँ पे आपको कोरिलेट करना है, रिलेट करके बताना है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को कि वो कैसे कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं।
यू कैन मेक इन अ टेबुलर फॉर्म ऑल्सो और यू कैन राइट इन अ पैराग्राफ ऑल्सो, बट या फिर उसको जैसे चार्ट होता है ना, अपना पाई चार्ट जैसे होता है, उस टाइप से भी आप उसको बना सकते हो। जैसे सब चार्ट्स हम लोग बनाते हैं ना, टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट देते हैं, देन उसके कार्बोहाइड्रेट का जैसे पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जैसे देते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं, उस फॉर्म में भी कर सकते हो या फिर उसको टेबल वाइज भी कर सकते हो आप लोग उसको। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम या डिस्टिंग्विश जब लिखते हैं तो एक तरफ आप कार्बोहाइड्रेट लिखिए या एक तरफ प्रोटीन लिखिए और उसको कोरिलेट करके बताइए कि कैसे कैसे वो डाइट में रिलेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। देन सेम चीज प्रोटीन को, प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप बतानी है, देन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिलेशनशिप बतानी है आपको। ये आपका असाइनमेंट है, ओके मैम? यस मैम, ये जो रिलेशनशिप बतानी है इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने, वो एक बार बताइए ना। वही तो बताया मैंने आपको। नहीं मैम, वही तो बताया। वो जो मतलब जो वर्क परफॉर्म करते हैं उसमें कौन कौन से मतलब पॉइंट कवर करने हैं, मैं वो पूछ रही हूँ। ओके, इसमें कैसे, अगर आपने कोई डाइट बनाया है, ठीक है, तो वो डाइट बनाया है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है और प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल बता रही हूँ आपको, आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है, प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, देन प्रोटीन का परफॉर्मेंस क्या है एंड कार्बोहाइड्रेट का परफॉर्मेंस क्या है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन आपको पॉइंट आ जाएगा उसमें, उसका डाइजेशन का पॉइंट आएगा, उसका एक्सक्रीशन वाला पॉइंट आएगा, हेल्पफुल कहाँ तक है, उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, ये चार पांच पॉइंट्स उसमें आएंगे, ठीक है। जब आप रिलेशनशिप बताओगे वहां पे तो उसमें एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये पॉइंट्स आएंगे। एंड उसका मॉडिफिकेशन आएगा, ठीक है, ये पॉइंट्स कवर होंगे गर्ल्स। तो इसे आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए या पैराग्राफ एक बार बताइए ना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, फाइव पॉइंट्स आएंगे गर्ल्स, ठीक है। समझा गर्ल्स? मॉडिफिकेशन करना आएगा फिर जी? गर्ल्स आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। मॉडिफिकेशन मैम, पॉइंट बताया ना अपने, वो में आएगा, वो आपको तीनों में बताना है। ये चार जो मैंने आपको फाइव पॉइंट्स बताने हैं, आपको तीनों में बताने हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये पॉइंट्स सब में कवर होंगे आपके, तभी तो आपका रिलेशनशिप पता चलेगा ना आपको। कंपेयर जब आप करोगे, कंपेयरिंग दिखानी है आपको, दैट इज वाई आई हैव गिवन अ टॉपिक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखोगे ना, तो जब टेबुलर फॉर्म में आप लिखोगे उसको, तो मैं एक ना आपको एक आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फोटो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगी कि आपको कैसे करने हैं पॉइंट्स कवर करने हैं, ओके मैम? मैं टेबुलर फॉर्म आपको फॉर एग्जांपल मैं उसमें आपको, ठीक है, कैसे कोरिलेट करना है उसको। यस मैम, ठीक है गर्ल्स, मैं एक टेबुलर एक रफ आपको बता दूंगी कि कैसे आपको करना है और उसमें आपको करने फाइव पॉइंट्स कवर्स करने हैं गर्ल्स। जैसे एक टेबल बनाने हैं, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट रहेगा, एक तरफ प्रोटीन, देन वहां पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन, इसके अंडर में आपको कंपेयर करना है फ्रंट टू फ्रंट। इधर में कार्बोहाइड्रेट आएगा, इधर में प्रोटीन आएगा। मैं वो टेबल आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ अभी आप थोड़ी देर में, ठीक है? ओके मैम। ओके, और किसी को डाउट है? ये मेटाबॉलिज्म है, मॉडिफिकेशन,
मेटाबॉलिज्म बोले ना आपने, नहीं मॉडिफिकेशन का है ना, नहीं मॉडिफिकेशन ही का, मॉडिफिकेशन ही बताया ना गर्ल्स पहले आप मैम, पहले आपने बताए तो तीन टॉपिक बताए थे, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन, और सेकंड टाइम आपने फाइव बताया, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं बताया था मैम, आपने उसमें मेटाबॉलिज्म बताया था। ठीक है गर्ल्स लिख लीजिए, गर्ल्स लिख लीजिए, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, फाइव पॉइंट्स हो गए क्लियर? यस मैम। ओके, और किसी को डाउट रिलेटेड टू नोट्स, रिलेटेड टू क्लास आई हैव टेकन? मैम पॉइंट्स रिपीट करिए एक बार। डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन, मैम आपने जैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला हमें उनके बीच में, तो जैसे होगा तो यही ना, जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लिया तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन्स को लिया तो प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसी तरह डिस्टिंग्विश करना है ना इसको, कि जो आपने जो पॉइंट्स बोले ये फाइव पॉइंट्स उसको रिलेटेड करके डिस्टिंग्विश करना है। ना 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 ऐसे नहीं गर्ल्स, मैं आपको एक रफ टेबल देती हूँ, ओके, आप लोग को डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको एक रफ टेबल देती, ऐसे नहीं उसका रिलेशनशिप बताओ ना, कहाँ उस कार्बोहाइड्रेट हिंडर कर रहा है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल हो रहा है, प्रोटीन का क्या रोल हो रहा है, ये कोरिलेट करो ना दोनों को, देन प्रोटीन एंड फैट को कोरिलेट करो एंड उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट को, वैसे नहीं डिस्टिंग्विश इन द सेंस, मैं भी यहाँ से डिस्टिंग्विश बता दूंगी, नहीं वैसे नहीं करना है, उन दोनों का रिलेशनशिप बतानी है आपको उसको, इसलिए तो मैंने आपको टॉपिक बोला है कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप दोनों को रिलेट करो ना, वो ही बोला है मैंने, ठीक है, दोनों को रिलेट करके बनाना है आपको कि क्या रोल है उसका डाइजेशन में, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल हो रहा है एंड प्रोटीन का क्या रोल है, उसको कोरिलेट करो, एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों को कोरिलेट करो, कहीं ना कहीं एक में अमाइनो एसिड आएगा, कभी कहीं एक में अमाइनो एसिड नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, देन उसका ट्रांसपोर्ट जब आप करोगे तो ट्रांसपोर्ट में कार्बोहाइड्रेट का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके जा रहा है, देन प्रोटीन का क्या कन्वर्जन है ये बताना है, ये कोरिलेट करना है आपको, समझ में आ रहा है गर्ल्स? गर्ल्स यस मैम। ठीक है मैम, थोड़ा इंटरेक्शन का भी बता दीजिए। किसका बताऊं? इंटरेक्शन, उसमें कौन कौन से बच्चा, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक डाउन हो रही है। इंटरेक्शन, इंट्रैक्शन इन द सेंस गर्ल्स, सारा मैं ही पॉइंट्स बताऊंगी, तुम लोग क्या सर्च करोगे, मैं आपको एक रफ टेबल बताती हूँ, आप थोड़ा सर्च करिए ना उसको, फिर तो मैं हूँ आपके हेल्प के लिए। यहाँ पे आपको जैसे आपने उस डाइजेशन का पॉइंट लिखा है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट में, देन प्रोटीन का आपको डाइजेस्ट होने के लिए क्या क्या चीज हो रही है, देन दोनों पॉइंट को कोरिलेट करो, कोरिलेट इन द सेंस उनको रिलेट करो, ठीक है, उनका रिलेशनशिप बताओ डाइजेशन में क्या हो गया दोनों का, क्या हुआ है दोनों का, देन आप उसका जब एब्जॉर्प्शन लिखोगे, एब्जॉर्प्शन में पॉइंट कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब हुआ वो लिखोगे, प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब हुआ वो लिखोगे, देन दोनों को रिलेट करो, इट्स मैम दोनों के पॉइंट सेम रहेंगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ,
प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ बॉडी में थ्रू डाइट, दोनों को फिर रिलेट, दोनों को लिखना है देन रिलेट करना है. देन मॉडिफिकेशन में उसका मॉडिफिकेशन कैसे होगा कार्बोहाइड्रेट का, देन उसका प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, फिर दोनों को रिलेट कर, ऐसे बोल रही हूँ मैं. मैं आपको रफ टेबल देती हूँ, आपको उसको हेल्पफुल रहेगा ठीक है ये. और ये अभी जो नेक्स्ट क्लास जब होगी आपकी तो मैं आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के सारे पॉइंट्स बताऊंगी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. बट स्टिल यू हैव टू सर्च फॉर दिस ना गर्ल्स, असाइनमेंट है ये आपका ठीक है. मैं एक रफ टेबल आपके व्हाट्सएप करती हूँ मैं आपको. गर्ल्स स्नेहा उज्मा जवेरिया प्रेजेंट है सभी? यस मैम. यस मैम. गर्ल्स उज्मा शीतल? यस मैम. गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा उज्मा? यस मैम आ रही है. जवेरिया? यस मैम आ रही. गर्ल्स हेलो. यस मैम.